दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो उसमें आप आई बटन कैसे लगा सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको पता चल सके कि आप आई बटन कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन में कि मैंने यहाँ पर अपनी जो YouTube पर वीडियो है वो अपलोड करके रख दिया, टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन सब कुछ भर के रख दिया है। अब इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आई बटन लगाने के लिए आपको एक कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी या फिर आप लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर कर रहे हो तो आप डेस्कटॉप मोड पर जा करके यूट्यूब ओपन करके वहाँ पर वीडियो अपलोड करें, गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउजर में से। आप अगर यूट्यूब में से करते हो तो वहाँ पर कोई भी आई बटन का ऑप्शन नहीं है जिससे आप यूज कर पाओ आई बटन को। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला स्टेप जो है कंप्लीट हो चुका है। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वीडियो अपलोड की जाती है तब ऐसा ही कुछ आता है। तो आप देख सकते हो कि आपके में आ रहा है या नहीं। तो आप इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे यहाँ पे देखिए ऐड कार्ड, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, इसी को आई बटन कहते हैं। तो यही आई बटन होता है। आपको सिर्फ किन किन जगह पे लगाना है यहाँ पे आप सेट करते जाइए। आपको 5 आई बटन दिए जाते हैं, आप एक वीडियो में 5 आई बटन लगा सकते हो। आप यहाँ पे अपने आपकी जो भी वीडियो है वो यहाँ पे आ जाएंगी। उसके बाद आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर पड़ी है तो आप यहाँ पे सर्च करें या फिर उस वीडियो का लिंक यहाँ पे कॉपी कर दें तो वो वाली वीडियो जो है आ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि मेरी सभी वीडियो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे देख पा रहे हो कि आई बटन भी आ चुका है, पहले नहीं था। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरा आई बटन लगाने वाला हूँ तो आप भी देख पाओगे कि यहाँ पे भी आई बटन आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि आपको पता चल सके नोटिफिकेशन के द्वारा। तो यहाँ पर आप आई बटन लगा सकते हो, तो यहाँ पर मैं आई बटन लगा देता हूँ। अगर आप ये तो थी वीडियो जब अपलोड करते हैं तब की बात। अब आगे इसमें मैं बताऊंगा आपको इसी में कि जो आई बटन के बाद में जो अब सेव की हुई पहले से अपलोड की हुई फाइल वीडियो होती है उनको कैसे किया जाता है। पहले मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको पहले पब्लिश कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई नोट कॉपीराइट इशू नहीं है, तो यहाँ पे भी ये नया ऑप्शन आया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने डिफॉल्ट में करके रखा हुआ है, तो इसलिए मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। अब इसमें जो पहले से आई बटन मतलब पहले से वीडियो जो अपलोड होती है उनमें आई बटन कैसे लगाया जाता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पहले से वीडियो अपलोड हुई होती है उनमें आई बटन कैसे लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, उसको भी बता देता हूँ आपको कैसे आई बटन का यूज करना है। अभी पेज लोड हो रहा है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। तो कोई भी आप वीडियो ले सकते हो कि मैं मान लेता हूँ कोई एक वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो इस पर आप देख रहे हो पेंसिल का निशान बना, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे राइट हैंड में साइड में आपको दिखाई दे जाएगा कार्ड का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक बॉक्स आ जाएगा जिस यहाँ पे आकर के आप यहाँ पे कोई भी कार्ड जो है मतलब की पिक्चर जो है लगा सकते हो। यहाँ पे आई बटन लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे भी आई बटन लगा देता हूँ। मैंने लगा के नहीं रखे थे आपको बताने के लिए। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वीडियो में आई बटन लगा सकते हो और इसको सेव जरूर करना क्योंकि ये ऑटो सेव नहीं होता, इसको सेव करना पड़ता है। आप देख पा रहे हो कि मैंने 5 आई बटन लगा दिए। आप एक वीडियो में 5 आई बटन लगा सकते हो और आप किसी भी आई बटन को रिपीट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी आई बटन में कोई वीडियो मतलब रिपीट नहीं कर सकते, एक वीडियो दे सकते हो एक ही आई बटन में, आप उसको दूसरे आई बटन में नहीं दे सकते। तो इसका बहुत ध्यान रखें वरना गूगल आपको अलर्ट करेगा तो वो सेव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आई बटन लगा सकते हो और एंड स्क्रीन भी सीन से लगाते हैं, एंड स्क्रीन यहाँ पे लगाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था कि आई बटन को कैसे लगाया जाता है यूट्यूब की वीडियो में। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना, मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू।